उत्तर प्रदेश के बलिया में एक कॉलेज में भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने पर छात्रों को सजा दी जाती है। आरोप है कि गांधी मोहम्मद अली मेमोरियल इंटर कॉलेज के टीचर संजय पांडे ने कॉलेज में राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम का जयकारा लगाने पर छात्रों को सजा देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि टीचर जावेद अख्तर ने वंदे मातरम के गायन पर एक छात्र को मुर्गा बना दिया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही जिला अधिकारी ने पूरे मामले पर जांच समिति का गठन कर दिया है। राष्ट्रगान के बाद अगर कोई लड़का भारत माता की जय बोल देता है तो यहाँ बच्चों को मुर्गा बना दिया जाता है। सूरज नाम के लड़के को जावेद अख्तर ने धूप में मुर्गा बनाए तो यहाँ पे इस तरीके से गतिविधियाँ बहुत दिनों से। अब खबर समझिए कि बलिया की घटना हैरान करने वाली क्यों है। पहले भी धर्म की आड़ में वंदे मातरम का विरोध हुआ है। मुस्लिम समाज के लोग वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं। शिक्षा संस्थान में वंदे मातरम का विरोध चिंताजनक है।